जरा सोचिए तो, प्लास्टिक के बिना जिंदगी कैसी होगी? कल्पना करना भी मुश्किल है ना? प्लास्टिक जिंदगी को ज्यादा सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक और सेहतमंद बनाता है, पर हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी इस पदार्थ को दिन ब दिन इको टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है। सच तो ये है कि गंदगी प्लास्टिक नहीं फैलाता, हम फैलाते हैं। अरे अरे, ये देखिए, ये आया एक और प्लास्टिक की थैली। इसका इस्तेमाल एक बार नहीं बल्कि बार बार होना चाहिए। इससे कुल पैदा किए जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा को घटाने में मदद मिलेगी। इस्तेमाल की जा चुकी प्लास्टिक की थैलियों को फेंकने के बजाय उन्हें इकट्ठा किया जाना चाहिए और रद्दी वाले को बेच दिया जाना चाहिए, जो कि उन्हें रिसाइकलर्स को बेच देगा। वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए एक अहम कदम है घर पर ही कचरे की छंटाई। गीला कचरा एक थैली में, सूखा कचरा दूसरी थैली में। आसान सी बात, पर है बहुत फायदे की। सूखे और गीले कचरे की थैलियों को एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर लाया जाता है। यहाँ कचरा बीनने वाले लोग इस कचरे की छटाई करके अपनी जीविका चला सकते हैं। ऐसा करने से इस कचरे को डंप्स तक ले जाने की कीमत भी कम हो जाती है। छटाई होने के बाद रद्दी वाला इस रद्दी को खरीद कर उसे रिसाइकलर्स को बेच देता है। ये कूड़ा करकट अब एक नई जिंदगी के लिए तैयार है। प्लास्टिक 100% रिसाइकलेबल करने योग्य है। इन रिसाइकलिंग प्लांट्स में रद्दी प्लास्टिक को सघन करके उसे परतों में या गोलों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह चक्र चलता रहता है। प्लास्टिक की इन परतों या गोलों को आधुनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली खूबसूरत, उपयोगी एवं आवश्यक चीजों में बदल दिया जाता है। ये है टेक्नोलॉजी का चमत्कार। आइए इन तीन आर्स को हमेशा याद रखें। रीयूज, प्लास्टिक की थैलियों का बार बार इस्तेमाल हो सकता है। रिसाइकल, प्लास्टिक की थैलियों को रिसाइकल करके बहुत सी उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। इस काम को आसान बनाने के लिए कचरे की छटाई और प्लास्टिक की थैलियों का सही विसर्जन होना जरूरी है। रिकवर, अपने उपयोगी जीवन चक्र के अंत में भी रद्दी प्लास्टिक में काफी ऊर्जा बची रहती है। आइए इस ऊर्जा को ठीक से पहचाने और इसे उपयोगी काम में लाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, प्लास्टिक उद्योग, अधिकारी वर्ग और प्रत्येक नागरिक की, मेरी, आपकी, हमारी। हम प्लास्टिक के बिना नहीं रह सकते। आइए उसके साथ रहें, पर जिम्मेदारी से।